वेलकम टू माय चैनल फैशन ऑर्निट एंड आई एम गीतांजलि। सो गाइस आज का जो वीडियो है वो है आज जस्ट बिकॉज ऑफ आज मंडे है। हम सबको पता है कि मंडे को मैं हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ एंड वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, आप अपने हेयर्स को बहुत सिल्की शाइनर बनाना चाहते हो तो ये भी प्रॉब्लम है, जिनके हेयर फ्रिजी हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अगर ओल्ड है तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हेयर केयर की सारी वीडियोस और भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड है तो प्लीज़ एक बार उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो जस्ट बिकॉज आज मंडे है और हेयर केयर डे है तो मुझे आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करना है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। एंड हम सब की जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है हेयर फॉल। अगर हेयर फॉल ही नहीं होगा तो हमारी बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, यानी कि हेयर फॉल नहीं होगा तो जो बाल हैं वो हमारे सर पर रहेंगे एंड हमारे बाल और भी ज़्यादा हेल्थी और स्मूथ रहेंगे। साथ में हमारे जो हेयर्स हैं वो सर पर हैवी दिखेंगे एंड येस गर्ल्स को एंड बॉयज़ को भी, सबको हेल्थी एंड थिक हेयर्स कितने ज़्यादा पसंद है ये हम सबको पता है, क्योंकि हेल्थी एंड थिक हेयर्स ही एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। साथ में आप अपना कोई भी हेयर स्टाइल उसके साथ कैरी कर सकते हो, बालों को ओपन रख सकते हो, बहुत सारे हेयर स्टाइल आप लोग क्विकली बना सकते हो एंड सब में ऑसम लगते हो। आप अपने मूड के अकॉर्डिंग अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपना हेयर फॉल। तो मैंने रिसेंटली कुछ टाइम हो गया है एक प्रोडक्ट ऑर्डर करा था और वो मैंने ऑर्डर करा था फ्लिपकार्ट से। इस तरह के पैकेज मुझे रिसीव हुआ था। साथ में ये जो प्रोडक्ट है ये है बाय वेरी वेल नोन ब्रांड एंड वो ब्रांड है मेरे पास ओजीवा। ये है ओजीवा का DHT ब्लॉकर विद स्टिंगिंग नेटल एक्सट्रैक्ट। तो ओजीवा के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं प्लांट बेस्ड, यानी कि ये बिल्कुल ही सेफ है एंड आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे। सो पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि DHT ब्लॉकर होता क्या है। DHT ब्लॉकर होता है, ये अकेला नहीं होता, इसके साथ और भी एंजाइम्स वगैरह इंक्लूड होते हैं एंड कुछ सब्सटेंस इंक्लूड होते हैं जो क्या करते हैं, ये हमारे हेयर्स के साइड यानी हमारे रूट्स में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। सो हम सबको पता है कि जिस हमारे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचती है एंड ऑक्सीजन के साथ साथ ब्लड सही से नहीं सर्कुलेट करता है उस एरिया में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो यस यही एक मेन रीज़न होता है, ये ब्लॉक कर देता है आपके ऑक्सीजन के फ्लो। सो इसी वजह से जो रूट्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं एंड ब्लॉक होने के साथ साथ आपका जो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है एंड ये जो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके इतनी ज़्यादा मेजर हो जाती है कि आपके जिस एरिया में बाल होते हैं वो इतना ज़्यादा चिकना हो जाता है, इतना ज़्यादा स्मूथ हो जाता है कि वहाँ पे हेयर ग्रो होने के जो चांसेस हैं वो एक तरह से ख़त्म हो जाते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाते हैं बट उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, जस्ट बिकॉज अगर हम लोग स्टार्टिंग से केयर करेंगे तभी जाके वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। अदरवाइज़ सब कुछ ख़राब होने के बाद आप कितना भी लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह करवा लें उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, ये हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। अपने बालों की केयर हम सब करते हैं एंड हर मंडे को तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि अपने बालों की किस तरह से केयर करनी है, बट जस्ट बिकॉज मेन रीज़न होता है हेयर फॉल का। तो हेयर फॉल को रोकने के लिए मैं जो ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ ओजीवा का प्लांट बेस्ड DHT ब्लॉकर। ये है विद स्टिंगिंग नेटल एक्सट्रैक्ट। ये आपका हेयर फॉल कंट्रोल करता है, साथ में ये आपके फॉलिकल स्टिमुलेशन करता है। इसके अंदर है बीटा सिटोस्ट्रोल एंड पम्पकिन सीड, स्टिंगिंग नेटल एंड पाइनबर्ग। इनकी हेल्प से हमारे जो DHT एंजाइम प्रमोट होते हैं, हमारे हेयर्स रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लॉक DHT प्रोडक्शन को कंटेन करता है, साथ में प्रिवेंट करता है फॉलिकल श्रिंकिंग एंड बूस्ट हेयर ग्रोथ, लोडिंग विद एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट हेयर लॉस। ये है 100% वेगन, सोया फ्री, नो प्रिजर्वेशन एंड नॉन GMO। सो बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, तो आपको इस तरह से बॉक्स में रिसीव होगा जिस तरह से मेरे पास है ये बॉक्स, और इतना बड़ा सा बॉक्स है तो ये बहुत ईजी टू स्टोर है, आप अपने बैग में भी इसको डाल के कहीं पर भी ले जा सकते हो। साथ में सिंपली आप इसको ओपन करोगे एंड आपका जो बॉक्स है यहाँ से पैक्ड होता है। मैंने इसको यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, इसलिए जो मेरा पैक है वो ओपन है। इसके अंदर आपको इस तरह के कैप्सूल्स मिलेंगे, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है, मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ इसलिए मेरे जो कैप्सूल हैं कुछ कम हो गए हैं। एंड इस तरह से आपको, मैं आपको शो कर देती हूँ, इस तरह से जो आपको कैप्सूल्स मिलेंगे और इतना बड़ा सा कैप्सूल्स है ये, और ये ग्रीन कलर का है, आपको डायरेक्टली इसको इनटेक कर लेना है इवनिंग में किसी भी टाइम और दोपहर में अपने लंच के बाद। बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी है ये, और पाउडर्स वगैरह की तरह नहीं है कि आप
आपको चम्मच चाहिए, आपको ग्लास चाहिए, आपको वाटर चाहिए, फिर आपको मिक्स करके फिर उसको पीना है। बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि हम कहीं जा रहे हैं तब भी हम इसको डाल के ले जाते हैं। और साथ में जो हमारी डोज है वो स्किप नहीं होती है, क्योंकि डोज स्किप करने का मतलब है कि आप जो है ना अपनी प्रॉब्लम्स खुद ज़्यादा बढ़ा रहे हो। साथ में इसमें आपको मिलेंगे 60 कैप्सूल, 60 कैप्सूल मतलब 2 महीने तक आपको ईजिली चल जाएगा। आपको एक दिन में 1 कैप्सूल लेना है बस, और आपका जो हेयरफॉल है वो रुक जाएगा। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है जस्ट बिकॉज ये 100% वेगन और ये है प्लांट बेस्ड, इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। और ये हमारी सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम होती है हेयरफॉल, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है और स्टॉप कर देता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इसको यूज़ करने के बाद, मेरे को ये इफेक्ट जो है पॉजिटिव मिले हैं। मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। किसी को लगता है कि हम लोगों को कोई कैप्सूल हम ले रहे हैं और इस तरह से इनटेक कर रहे हैं तो हम लोगों को पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम या फिर इचिंगनेस वगैरह हो रही है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो रही है, तो एज सच मुझे कोई इस तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बट हमेशा मैं कहूँगी कोई भी चीज़ ट्राई करने से पहले, वैसे तो ये मेरे को सूट कर रही है, लेकिन जब भी आप ट्राई करें तो एक बार लेने के बाद ट्राई करें कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको स्टॉप कर दें। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है ओजीवा का DST ब्लॉकर। आई होप जब आप लोग इसको ट्राई करोगे तो आपको भी रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। बट अगर आपको ऑलरेडी कोई डिजीज़ हो, उसकी मेडिसिन चल रही है, आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपका बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आप इसको प्लीज़ स्किप कर दो और कुछ टाइम के बाद जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या फिर डॉक्टर से कंसर्न करके आप इसको ले सकते हो। कोई भी डॉक्टर से आप पूछ सकते हो आपके पास, या फिर आपका जो फैमिली डॉक्टर है अगर आपको रिकमेंड करता है तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करो। अदरवाइज थोड़े टाइम स्किप करने के बाद आप इसको ट्राई कर सकते हो एंड ले सकते हो। आपको जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कुछ एक जो फूड्स होते हैं जिनको खा के हम अपने हेयर लॉस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पर है एग, सेकंड पे है आंवला एंड थर्ड पे है कोकोनट वाटर। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये जो प्रोडक्ट है ये परचेस करना है तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको जाके परचेस कर सकते हैं। एंड ट्राई करने के बाद मेरे साथ अपने जो रिव्यूज़ हैं वो शेयर करने ज़रूर आइएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्माइलिंग।